गुजरात में रिकॉर्ड जीत को लेकर बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने तस्वीरों में तमाम दिल्ली बीजेपी के ये कार्यकर्ता हैं, क्योंकि दिल्ली मुख्यालय पे जब भी इस तरह का कार्यक्रम होता है दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता आते हैं यहाँ पे। और इनका आना खास इसलिए भी है क्योंकि कल का गम है इन्हें, क्योंकि कल 15 साल की एमसीडी में जो इनकी ताकत थी, जो पावर थी, उसको इन्होंने गमाया है। उसके बावजूद आज ये यहाँ पहुँचे हैं और सामने आप देख सकते हैं झंडे पताके लेकर लगातार यहाँ पे लोग आए हैं और अलग अलग तरह की चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट लेकर आए हैं। और साथ ही देखिए ये देखिए एक से एक फोटो लेकर आए हैं कि गुजरात का सीएम नरेंद्र मोदी हैं, उनकी तस्वीर लेकर आए हैं। कार्यकर्ताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे लगातार। जयराम बिप्लव जो प्रवक्ता हैं वो भी यहाँ मौजूद है। जयराम जी, दिल्ली के सारे कार्यकर्ता हैं इधर, कल का गम आज खत्म हो गया? देखिए, गुजरात ने जो प्रचंड जीत दी है उसकी खुशी पूरे देश में दिखाई पड़ेगी। और गुजरात ने न केवल रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि आने वाले समय के लिए कैसे देश जन भागीदारी युक्त लोकतंत्र की ओर बदल रहा है, जिस बयान के लिए विपक्षी मोदी जी पर टूट पड़े थे, जनता ने उसको सही साबित कर दिखाया कि एक गुजरात बनाने में जनता अपनी भागीदारी भी समझती है। अरे हिमाचल में क्या हुआ? हिमाचल में तो आप पीछे चले गए। अभी रुझान हुआ तो बहुत कम संख्या में मार्जिन में हार जीत का अंतर होता है। गौरव जी, आप काफी सीजंड पत्रकार हैं और गुजरात में जिस प्रकार से बहुमत मिला है और हिमाचल में, जब तक चुनाव के अंतिम परिणाम नहीं आ जाते हार जीत तय करना मुश्किल है। कांग्रेस के नेता भी अभी तक हिम्मत नहीं जुटा रहे जश्न मनाने का। देखिए लगातार जश्न की तैयारी, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं यहाँ पे। और अभी चलते हैं, और भी तमाम कई नेता यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप देखिए सामने तमाम दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ हैं। मोदी जी का एक शेर के फोटो में मोदी जी का चेहरा लगाया है और कह रहे हैं गुजरात का शेर मोदी है। एक बार मैं बात करने का प्रयास करूंगा उनसे। जाओ जाओ जाओ। चाहल जी, ये फोटो का मतलब क्या है? देखिए, आज मोदी जी ये शेर है, आज भारत के शेर पूरे विश्व के अंदर जिनका डंका बज रहा है, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनको गुजरात की जनता का, हिमाचल के पूरे देश की जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है। और मोदी मैजिक आज हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से ऐतिहासिक जीत गुजरात के अंदर हो रही है, ये अपने आप में संकेत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरा देश जो है हिमाचल और दिल्ली में ये मैजिक कहां से यहाँ नहीं चल पाया? देखिए बिल्कुल नहीं, अभी हिमाचल का परिणाम आना बाकी है, अंतिम परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वहां पर भी कमल खेलने वाला है। लगातार जश्न यहाँ पे चल रहा है, तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे। सामने ट्रकों में आप देख सकते हैं, देखिए तरुण चुग हैं महामंत्री, हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर खड़े हैं। और गुजरात के जीत का जश्न, हाँ दिल्ली और हिमाचल की वजह से थोड़ा ये फीका जरूर है। सर, मिठाई आपके हाथ में है लेकिन दिल्ली और हिमाचल ने थोड़ा स्वाद फीका किया है क्या? ऐसा है कि दिल्ली की जनता ने भी मोदी जी को खुलकर आशीर्वाद दिया। आप प्रतिशत में देखिए तो 3% वोट प्रतिशत बढ़ा है, आम आदमी पार्टी का 14% वोट घटा है। जिन्होंने मोदी जी को गाली निकाली उनकी जमानतें जब्त हुई हैं। आप गुजरात हिमाचल दोनों जगह देख लीजिए, और गुजरात में भी हम बहुत तेजी से 3 दशक बाद भी आगे बढ़ गया है। हिमाचल में थोड़ा सा आंकड़ा गड़बड़ है, सरकार नहीं बना पाई। ऐसा कि मुकाबला कठिन मुकाबला चल रहा है निश्चित रूप से, लेकिन अभी विजय की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये लगातार यहाँ आप देख सकते हैं दिल्ली में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। और आज शाम में ये तैयारियां जो है शुरू, सामने ट्रकों में भरकर सामान लाए जा रहे हैं, झंडे बैनर लाए जा रहे हैं। शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुँचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुँचेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक बैठक होती है वो होगी और दोनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जो कि कस्टमरी है। लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ पे मंच सज रहा है और प्रधानमंत्री आज शाम यहाँ जनता को संबोधित भी करेंगे। जाहिर तौर पर गुजरात की जो जीत है रिकॉर्ड तोड़ जीत है, सबसे बड़ी जीत आज तक की है। 35 साल का पुराना रिकॉर्ड वहाँ कांग्रेस का था 149 सीटों का, उसको तोड़ते हुए बीजेपी आगे निकली है। तो उस जीत के सामने, हाँ उसको थोड़ा फीका दिल्ली के एमसीडी के चुनाव और हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार गौरव, News24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।